दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ थोड़े नाल गुरप्रीत सिंह। तो सब तो पहला गल करांगे पंजाब वासियों को एक होर वड्डी राहत जो है मिली है। जी हाँ, महंगे रेते तो उन्होंने राहत मिली है। तुहानू दस दिए कि 20 होर पब्लिक माइंस जो ने खोल दित्तियां गई हैं। सो सूबे के लोगों लिए राहत वाला फैसला किया गया। सूबे के हुण 55 खड्डा ने, 55 पब्लिक माइंस ने, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों दी गई। उन्होंने कहा कि 35 खड्डा वो जिहड़ियां पहलां तो 35 खड्डा चल रही सन, उन्होंने जरिए 5.82 लाख मैट्रिक टन रेत जो है कढ़ी गई। असी रेत माफिया पूरी तरह के नाल खत्म कर दिता है, इसका दावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वालों भी किया गया। सो कुल 55 माइना जो ने वह सूबे के चल रही ने, 20 होर नवी माइन्स जो ने वो अज तो पब्लिक माइन्स जिन्होंने नाम दिता गया वो अज तो शुरू हो गई ने। दस दिए कि एक वड्डा फैसला जो है लिया गया, 20 होर पब्लिक माइन्स जो ने सूबे में खोल दी गई ने, जिन्हों की कुल गिणती जो है 55 से पहुंच गई है। 55 खड्डा हो गई ने पब्लिक माइन्स, जिन्हों के जरिए जो है लोगों रेता जो है वह मिले। सूबे के हुण 55 खड्डा हो गई ने, पहला 35 खड्डा चल रही सन, अज 20 होर पब्लिक माइंस की शुरुआत जो है वह की गई है। नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया है कि असी रेत माफिया खत्म कर दिता है। जी हाँ, जिस तरह के नाल पहला सरकारां ते इल्जाम लगते रहिंदे सन, उस वेले दे विधायकों ते इल्जाम लगते रहिंदे सन माइनिंग माफिया शह देण दे, उन्होंने कहा कि हुण अजिहा नहीं चल रहा। पिछले एक साल तो माइनिंग माफिया असी खत्म कर दिता है, आम लोगों तक जो है सस्ती रेत मुहैया करवाई जा रही है। तो पंजाब वासियों लिए राहत वाला फैसला जो है लिया गया। थानू दस दिए कि इस तो पहला 35 माइंस जो ने, 35 पब्लिक माइंस जिन्हों की शुरुआत की गई थी, जितों की लोगों को सस्ती रेत जो है मुहैया करवाई जा रही थी, अज 20 की होर शुरुआत की गई है, यानी कुल गिणती जो है वो 55 पहुंच गई है। इस बारे होर ज्यादा जानकारी देने के लिए अमनप्रीत कौर साढ़े सहयोगी साढ़े नाल जुड़ गए हैं। अमन, जे गल की जाए तो लगातार जो है पब्लिक माइंस खोलिया जा रही ने, जिन्हों के जरिए लोगों तक सस्ती रेत मिल पहुंच रही है, तो अज 20 होर नवी माइंस की शुरुआत लोगों के लिए एक वड्डी राहत वाला फैसला। देखिए, मान सरकार वालों कहा गया थी कि पंजाब तो जो माइंस है वो पूरे तरीके नाल खत्म की जानी है, खड्डा है जिहड़ियां लोगों नूं समर्पित कीतियां जाणियां। हालांकि पहले गेड़ दे विच उन्होंने तकरीबन 18 के करीब जिहड़ियां 14 के करीब कीतियां सी, उस तो बाद उन्होंने 150 का टीचा मिथ्या सी, जिसके तहत ही अज जिहड़ियां मोगा विखे उन्होंने पब्लिक माइंस जनता दे उस दित्तियां। और अगर पुरानी माइंस अगर गल की जाए तो रेता लोगों को काफ़ी सस्ता मिलता है और लोग डायरैक्ट अपनी ट्राली लेके उतों रेता ले सकते हैं। और हुण अज भी सीएम मान वालों जिस तरीके दे नाल ये भी खड्डा जिहड़ियां लोगों को आम लोगों को सौंपियां गईयां, जाहिर है कि एक वड्डी राहत लोगों के लिए जरूर देखी जा रही है। और मेन है कि माइनिंग माफिया खत्म करना है पूरे तरीके दे नाल पंजाब दे, क्योंकि माइनिंग माफिया नूं लैके अक्सर है राजनीति पंजाब दे विच देखण नूं मिली है। अकाली सरकार आई कहिंदे सी असीं माइनिंग माफिया खत्म करांगे, कांग्रेस सरकार आई तो उस समय आम आदमी पार्टी विरोधी धिर दे विच थी, और ये मुख मुद्दा जिहड़ा चुनाव का बनाया गया सी पंजाब दे विच कि असीं रेता सस्ता करांगे, असीं माइनिंग खत्म करांगे पंजाब तो। हालांकि अगर चुनावी महीनों की अगर गल की जाए जो सीएम ने सिर्फ 91 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने से, हालांकि उन्होंने भी रेता घट किया, लेकिन लगातार माइनिंग जी है चल रही थी, दावा कर रहे थे कि माइनिंग खत्म की है। लेकिन अब जिस तरीके मुख्यमंत्री वालों मुड़ तो तीसरे अब तीसरे गेट के उन्होंने वालों जरा कि वंड की गई है पब्लिक माइंड जी लोगों को समर्पित की गई है, सरकार इस वे रूप के देख रही, बेशक विरोधी विरोध जरूर कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी का काम विरोध करना होता है, लेकिन सरकार इस एक वे उपराले के रूप के एक वीडी मुहिम के रूप के देख रही, जो कह रही है कि सिर्फ पंजाब के माइनिंग खत्म करनी, उस रूपरेखा के पंजाब सरकार इस चीज़ों देख रही है। जी जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सो पंजाब सरकार के वलों की अजिहां कोशिशां कीतियां जा रही ने, लगातार अजिहे प्रबंध किए जा रहे हैं कि माइनिंग माफिया होवे या कोई होर भी माफिया होवे उसनू पूरी तरह के नाल उसका मुकम्मल सफाया जो है किया जा सके, ताकि सूबे के लोगों को राहत मिले। जिहड़े जिस तरह पहला इल्जाम लगते रहे कि महंगे भा के उत्ते लोगों को रेत मिलती सी, उसके उत्ते माइनिंग माफिया के वलों की जो है पूरा कब्जा किया गया सीगा, ते सरकारां वलों पहलियां सरकारां वलों उसनू जो है वो शह दित्ती जांदी रही।
सो 35 खड्डा चों जो है 5.82 लाख मैट्रिक टन रेत जो है वो कढ़ी गई है, लोगों तक पहुँचाई गई है। ये भी कहा गया सीगा कि लोग जो ने अपने साधन लैके उत्थे पहुँच सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां लैके उत्थों दी तुहानू सस्ते रेट के उत्ते रेता मिलेगी, वाजब भा जो है वो रेत का मिलेगा। तो अज भी होर पब्लिक माइंस जो ने खोल दित्तियां गईयां ने, कुल गिणती इन्हां दी 55 ते पहुँच गई है। सो पंजाब दे विच रेते का मुद्दा, माइनिंग का मुद्दा अक्सर ही सुर्खियां दे विच रिहा, इल्जामां दे घेरे दे विच कई सारे सियासतदान पहलां रहे ने, पर हुण जो है पंजाब सरकार वालों इस नूं पूरी तरह दे नाल पारदर्शी तरीका जो है वह अपनाया गया। तो अज तो पंजाब दे विच 55 पब्लिक माइंस हो गई ने, जिथों की लोग जो ने लोगों राहत मिलेगी, उन्होंने इलाके के नेड़े जिथे भी माइन ने खुली है, पब्लिक माइन जिथे शुरुआत हुई है उतों जाके वो रेता जो है सही मुल के उत्ते जो सरकार वालों तय किया गया उसके उत्ते लै सकते हैं।